हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु इन दिल्ली एंड आई एम नकुल सर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट 10 की पार्ट वन। आज इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की केवल थ्योरी के बारे में बताऊँगा कि क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें कौन कौन से जो है अकाउंट तैयार किए जाते हैं, स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, कितने पार्ट है, इसके बारे में बताऊँगा। पूरी वीडियो को देखिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक का वीडियो मैं लाता रहूँगा और ऑलरेडी अवेलेबल है और आने वाला आते टाइम भी आपको मिलता रहेगा। चलिए हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू सच स्टेटमेंट्स which reports the profitability and the financial position of the business at the end of accounting period। मतलब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रिफर करता है सच स्टेटमेंट, एक ऐसे स्टेटमेंट्स के जो कि रिपोर्ट करता है वास्तव प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाभदायकता, कि कितना प्रॉफिट देता है उसके बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी में दो चीज़ आता है, कंपनी का होने वाला लॉस या होने वाला प्रॉफिट। ये प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है, या फिर ये बताया जाता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, यानी कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, इसके बारे में बताया जाता है ऑफ द बिजनेस। और ये होता है प्रत्येक हर साल एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनाया जाता है, ताकि उस कंपनी का या फिर उस फर्म का जो है प्रॉफिट और लॉस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा जा सके। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स एटलीस्ट टू बेसिक स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो स्टेटमेंट इंक्लूड किए होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा इनकम कितना किया जा रहा है। अब इनकम में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, और दूसरा होता है स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कंपनी का बिजनेस करते हुए फाइनेंशियल का पोजीशन कहाँ तक हो पाया है, यानी कि इसमें हम देखते हैं कंपनी के द्वारा एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज, इन दोनों को इसमें देखा जाता है, चेक किया जाता है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। जॉन एच मेयर एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था, जॉन एन मेयर ने कहा था, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एज एन असर्टेन डेट, एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक समरी प्रोवाइड किया जाता है, जो किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का अकाउंट के रूप में होता है, जिसमें बैलेंस शीट जो है उसके एसेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल को शो किया जाता है, और साथ ही साथ जो इनकम स्टेटमेंट जो है उसका जो है जो डेली ड्यूरिंग जो ऑपरेशंस रिजल्ट्स होते हैं, जो ऑपरेशन का जो बिजनेस कर होता है उस बिजनेस के रिजल्ट्स को शो करता है। अब ये तो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा मेन जो है, फर्स्ट है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका सबसे पहला काम होता है कि किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना होता है इसके द्वारा, कि कंपनी के द्वारा जो है रियली में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, इसका पूरा का पूरा व्यू, पूरा का पूरा डेटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उसको पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी चेक करना होता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब उसके एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज क्या क्या है। एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में पूरा का जो डेटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही मिलता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो दो चीज़ें, इनकम स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन जो बनाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज़ें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, दो मेन होते अकाउंट बनाए जाते हैं,
एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीज बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट चेक करने के लिए, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट होता है उसके कैलकुलेट किया जाता है। और प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन चेक करने के लिए तैयार किया जाता है कंपनी का बैलेंस शीट, जो कि किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसके थ्रू पूरी कंपनी के जो है पोजीशन के बारे में पता लगाया जाता है। बैलेंस शीट में दो चीज़ें शो किया जाता है, एक शो किया जाता है आपका एसेट्स और एक शो किया जाता है लाइबिलिटीज। अब ये किस प्रकार से बनाया जाएगा, किस ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। लगातार वीडियो मैं लाता रहूंगा, हर एक चीज़ के अलग अलग विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल के अलग अलग वीडियो के होंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। थैंक यू।